हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास फोर इंग्लिश का पेपर पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट सितंबर 2021, टाइम 1 आवर एंड मार्क्स 25। ठीक है, तो ये देखो, ध्यान से देखना कि ये स्टैंडर्ड फोर का इंग्लिश का फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश का पेपर है ये, और ये पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट है, मतलब PAT, ठीक है, पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट है, और ये सितंबर 2021 की पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट है। ये हर मंथ आती है, एवरी मंथ आती है, ठीक है, मंथली ये आती है, और साथ साथ में ये है मार्क्स 25 मार्क्स की है, और ये मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ के आप ये वीडियो का सोल्यूशन तभी ही देखना जब आपका पूरा का पूरा, मतलब जब आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए और आप अपनी स्कूल में जाके पेपर को सबमिट कर दो, ठीक है, उसके बाद ही आप इस सोल्यूशन को देखना, ठीक है, सोल्यूशन को देखना, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाते हैं। रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड आउट द वर्ड्स व्हिच एंड विद ईडी एंड आईएनजी, देन राइट द वर्ड्स इन द गिवन टेबल। करना क्या है कि यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है, पूरे पूरे पैराग्राफ में ईडी वर्ड्स और दूसरे कौन से आईएनजी वर्ड्स ईडी और आईएनजी, यहाँ पे दी हुई वन है ईडी और आईएनजी, उसके एग्जांपल्स यहाँ पे लिखने हैं। देखो, एक एग्जांपल दे दूँ हूँ आप लोगों को, दैट वन डे जिया वाज सिटिंग, क्या है आईएनजी वाला वर्ड, ठीक है, सिटिंग, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा सिटिंग बाय द विंडो, हर मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये आ जाएगा रेनिंग। ये देखो यहाँ पे आईएनजी है ना आईएनजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पिटर पैटर द रेन वॉज फॉलिंग आईएनजी, फिर से आईएनजी, ठीक है, फॉलिंग ऑन द क्लोज्ड विंडो, क्लोज्ड आया क्या यहाँ पे ईडी आया ना, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड विंडो। देन जिया हर्ड अ सॉन्ग, कम चिल्ड्रन विथ योर बोट्स एंड प्ले, फिर यहाँ पे क्या है, आई विल टेक योर बोट्स फार अवे, इट वॉज विंड सिंगिंग टू द चिल्ड्रन, सिंगिंग, देखो यहाँ पे आई एन जी सिंगिंग, ठीक है, टू द चिल्ड्रन इन अ लिटल व्हाइल द रेन स्टॉप्ड में क्या है ईडी दिखा है, ईडी स्टॉप्ड आ गया। जिया वॉज लुकिंग एट द आउट ऑफ द विंडो, लुकिंग क्या हो गया आई एन जी हो गया, लुकिंग, ठीक है, आउट ऑफ द विंडो, ऑल द चिल्ड्रन हैड रश्ड आउट, देखो यहाँ पे रश्ड कौन सा वर्ड है, ईडी वाला, ठीक है, ईडी वाला, आउट टू द पुट देयर पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम बाय द रोड, ठीक है, यहाँ पे रश्ड मैं लिख रूँ, ठीक है, देर वर पिंक बोट्स एंड व्हाइट बोट्स, ठीक है, देर वर पिंक बोट्स एंड व्हाइट बोट्स, दे रोज एंड फेल विद द टाइनी वेव्स, द वीक बोट्स ओवरटर्न्ड, ये क्या है ईडी है, ठीक है, एंड सैंक व्हाइल द स्ट्रॉन्ग वन सेल्ड, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेल्ड में क्या होता है ईडी आता है, तो यहाँ पे सेल्ड। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर वन, जाके यहाँ पे देख लो, ठीक है, पूरा का पूरा देख लो क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दैट क्वेश्चन नंबर टू, कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस फॉर ईच वर्ड, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के आपके राइटिंग स्किल्स पे निर्भर करता है कि कैसे आपने लिखा है, ठीक है, आपके राइटिंग स्किल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर वन देख लेते हैं, नंबर वन है नेचुरल से क्या आता है भैया, आई लव्स टू वॉच नेचुरल ब्यूटी, आई लव्स टू वॉच नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी मतलब क्या, ट्रीज, ठीक है, ट्रीज, फिर अच्छे अच्छे प्रकार के क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स हो गए, ट्रीज हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बारिश, ठीक है, बादलों में से बारिश, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल ब्यूटी,
नेचुरल ब्यूटी। सेकंड पे आ रहा है, सेकंड है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब आप मान सकते हो कि जहरीली चीज, ठीक है, जहरीली चीज। तो उसमें क्या है, प्लास्टिक इज अ टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। जब आपको नहीं पता होगा बट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूँ, जब प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक समझ लो, एक प्लास्टिक का एक क्या है, एक क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक का एक रैप है, ठीक है, क्रैप आप बोल सकते हो इसको, उसको मैंने जला दिया, उसको मैंने जला दिया, जलाऊंगा ना मैं, अगर इसको मैं अगर जलाऊंगा ना, तो ये जो गैस बाहर छोड़ेगा ना, वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, मीथेन भी छोड़ेगा ये साथ साथ में, मीथेन आपको नहीं पता होगा मीथेन क्या है, बट मैं आपको बता दूं कि मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, गैस है, ठीक है, टॉक्सिक गैस है। अब ये टॉक्सिक वेस्ट भी माना जाता है प्लास्टिक को, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टॉक्सिक ऐड किया। हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी ऑन माई बर्थडे। कौन अपने बर्थडे में खुश नहीं होगा, सारे लोग अपने बर्थडे में हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई बर्थडे। ओके, इंडोर, आई लव टू प्ले इंडोर गेम्स, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंडोर गेम्स प्रिफर करते हैं खेलना, लाइक आप मान सकते हो चेस, ठीक है, चेस में भी आप खेल सकते हो, फिर आप मान लो कैरम, कैरम मान लो, ठीक है, कैरम में भी आप लोग खेल सकते हो ना, इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स ही होंगी ना ये भी, ठीक है, इंडोर गेम्स ही होगी ये भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में आ रहा है ब्यूटीफुल, बर्ड्स आर ब्यूटीफुल विंग्स, बर्ड्स जो होते हैं उनकी जो विंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, बर्ड्स की विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये पूरी पोएम आपको रीड करनी है, सबसे पहले पूरी पोएम रीड करनी है, फिर आंसर्स लिखना है। फर्स्ट हमारा ऑफकोर्स हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी चाइल्ड में हमारा है माई हाउस इज रेड अ लिटल हाउस, मेरा हाउस रेड है और एक छोटा हाउस है, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, हैप्पी चाइल्ड एम आई, ये बच्चा जो है वो क्या है, हैप्पी है, हैप्पी चाइल्ड, ठीक है, आई लाफ एंड प्ले द होल डे वे लॉन्ग, ठीक है, वो पूरे दिन हंसता रहता है, पूरे दिन खेलता रहता है, पूरे दिन वो सब कुछ ये हंसता खेलना ये सब कुछ करता रहता है, आई हार्डली एवर क्राई, वो कभी रोता भी नहीं है, बहुत रेयरली वो रोता है, ठीक है, आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, उसके घर में मतलब उसका घर लाल है, ठीक है, लाल कलर का है और छोटा सा घर है, और उसके घर के बालकनी में, या फिर मान लो कि उसके घर पे, उसके घर का जो गार्डन है उसमें वो एक ट्री है जो बहुत ग्रीन है, ठीक है, बहुत ही हेल्दी ट्री है, ठीक है, तो वो उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोटेक्ट करता है, तो वो जो शैडो होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे ये बच्चा बैठा है, हैप्पी चाइल्ड बैठा है, हैप्पी चाइल्ड, जो क्या होगा कि यहाँ पे जो सन की जो रेज आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पड़ेगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, शेड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, शेड में आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारी बार ऐसा भी बोलता है, दैट एंड अंडर इट आई ऑफन सीट, तो उसके नीचे वो हमेशा बैठता भी रहता है, व्हेन ऑल माय प्ले इज डन, सारा खेलना मस्ती बंद हो जाए उसके बाद वो आराम से जाके वहाँ पे बैठ जाता है। राइट नेम्स ऑफ द कलर गिवन इन द पोएम, ठीक है, कौन कौन से, रेड एंड ग्रीन, पहला तो रेड क्या है, रेड हाउस है, ग्रीन क्या है, ग्रीन ट्री है, द चाइल्ड लाइक्स टू प्ले, ठीक है, ये द चाइल्ड लाइक्स टू प्ले, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ बिग फ्रॉम द पोएम, बिग फ्रॉम द पोएम क्या है, लिटल, लिटल है ना यहाँ पे देखो, लिटल हाउस, ठीक है, वेन डज द पैट सीट अंडर द ट्री, पैट पोएट, पर पोएट है, पैट नहीं है, ये पोएट है, पोएट है, ठीक है, पोएट, वेन द पोएट, पोएट मतलब जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, जैसे आप लोग बोल सकते हो पोएम को नहीं, राइटर बोल सकते हो, ठीक है, जिसने इन पोएम को लिखा है, बट जो भी पोएम लिखता है तो उसको बोला जाता है पोएट, आप लोग तो वैसे भी फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को, छोटे बच्चे को अभी, ठीक है, देखो अभी क्या है, व्हेन डज द पोएट सीट अंडर द ट्री,
ठीक है, कब पोएट ट्रीज के नीचे बैठते थे, बिफोर हिज प्ले, आफ्टर हिज प्ले और ड्यूरिंग हिज प्ले। तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया गया है दैट आफ्टर हिज प्ले, यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है व्हेन ऑल माय प्ले इज डन, मतलब आफ्टर द प्ले। ओके फिफ्थ देख लेते, फिफ्थ हमारा है द चाइल्ड सिट्स अंडर द ट्री अगेन एंड अगेन समटाइम्स फॉर द होल डे, कैसे अगेन एंड अगेन, यहाँ पे लिखा गया है ऑफन वर्ड, ठीक है, आई ऑफन सीट, ऑफन का मतलब होता है बार बार, मतलब अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है मैच ए विथ बी, ठीक है, मैच ए विथ बी, यहाँ पे पहला कॉलम ए है, यहाँ पे कॉलम बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल सीरीज ऑफ वेव्स ऑन वाटर सरफेसेस क्या हो जाएगा, रिपल्स, रिपल्स को क्या बोलते हैं भैया, रिपल्स को क्या बोलते हैं, रिपल्स को क्या बोलते हैं, ठीक है, रिपल्स को बोलते हैं कि एक स्मॉल सीरीज ऑफ वेव्स, मतलब एक छोटी छोटी लहरों का ग्रुप आता है वाटर सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, रिपल्स, ठीक है। तो मूव क्विकली, बहुत ज़्यादा मूव करना है उसको बोलते हैं रश, रश बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करना होता है, हड़बड़ात रहती है उसको बोलते हैं रश, ठीक है, रश। अ स्मॉल रिवर, छोटी सी रिवर जा रही है उसको बोलेंगे स्ट्रीम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे भैया, स्ट्रीम बोलेंगे, स्ट्रीम बोलेंगे, स्ट्रीम मतलब छोटी सी धार जैसी रिवर, ठीक है, धार जैसी रिवर जो बहुत छोटी होती है, ब्रेथ में छोटी होती है, ऑब्वियसली लेंथ में नहीं होती, ब्रेथ में, विड्थ, विड्थ अभी आया होगा मैथ्स में, विड्थ, विड्थ मतलब गर्थ, पहड़ाई, पहड़ाई, ठीक है, गर्थ बड़ी होती है, बोलते हैं उसको स्ट्रीम, ठीक है। अभी यहाँ पे है टू बिकम ईगर एंड हैप्पी, बहुत ज़्यादा उतावला और बहुत ज़्यादा खुश होने को क्या बोलते हैं भैया, एक्साइटेड, एक्साइटेड, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड, एक्साइटेड। वन नंबर, द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, प्लांट्स जो पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरा। अभी आगे आओगे फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में आओगे तो आपको आएगा टॉपिक फोना, फोना होता है एनिमल्स, एनिमल्स, तो जब ये फोना आए तो आप ये लिख लेना, और कभी भी एग्जाम में फ्लोरा आए तो आप लिख देना प्लांट्स, ठीक है। अभी आया है इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्लांट्स लिखा है तो क्या है फ्लोरा, यहाँ पे लिख देंगे हम फ्लोरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक, ऑन द फॉलोइंग टॉपिक विद द हेल्प ऑफ क्लूज, ठीक है। सबसे पहला क्लू, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, ठीक है, सबसे पहला क्लू है यहाँ, ठीक है, टाइगर इज अवर व्हाट, नेशनल एनिमल, हमारे इंडिया का क्या है, नेशनल, नेशनल एनिमल, ठीक है, नेशनल एनिमल, इंडिया का नेशनल एनिमल, देखो, ठीक है। दूसरा क्या है, टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, ऐसे तो नहीं होगा कि आप, आप जिस सिटी में रहते हो बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे यहाँ पे देखो रोड्स है, रोड्स है तो रोड्स में आपको टाइगर जैसे चलते हुए दिख जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, कहाँ रहते होंगे वो, फॉरेस्ट में रहते होंगे, ठीक है, फॉरेस्ट में रहते हैं। टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, आप उसको पाल सकते नहीं हो, ठीक है, आपके, आपने कभी देखा नहीं होगा कि आपके कोई आस पड़ोस के घर में कोई टाइगर पाल रहा है, आपने ये देखा होगा कि आस पड़ोस में कोई डॉग पाल रहा है, आस पास पड़ोस में कोई कैट पाल रहा है, ठीक है, बट आप कभी टाइगर को नहीं देखोगे, क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, और दूसरी चीज कि वो वाइल्ड एनिमल होते हैं, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ हमारा कहें दैट टाइगर हैज ऑरेंज कलर विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, ठीक है, वो टाइगर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, वैसे वो एक स्किन कलर जैसा होता है, बट इट इज आप बोल सकते हो कि वो ऑरेंज फैमिली का है, ठीक है, वो कलर जो टाइगर का होता है वो ऑरेंज फैमिली का होता है, और ब्लैक स्ट्रिप्स, ब्लैक स्ट्रिप्स ऊपर होते हैं जो टाइगर को क्या बनाती है, यूनिक, टाइगर के बाद बनाती है यूनिक। फिफ्थ हमें देख ले, टाइगर हैज स्ट्रॉन्ग पॉव्स, पॉव्स मतलब क्या भैया, पॉव्स मतलब पंजे, पंजे, ठीक है, टाइगर के बहुत शार्प पंजे होते हैं जिससे टाइगर एक ही सेकंड में सब कुछ
काट सकता है। ठीक है, समझ रहे बात को? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्लास 4 का इंग्लिश का पूरा पेपर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।